Love you. Love you. Love you. Love you. तो मैम आज जो आप लोगों ने जो क्लीननेस ड्राइव रखा है ये एक्जेक्टली किसकी तरफ से और इसके पीछे क्या मोटिव है वो बता दीजिए मैम। ये जो हम लोग का कॉलेज का NSS वॉलंटियर लोग का द्वारा से किया जा रहा है, तो इसका मेन मोटिव है कि हम लोग यूथ को कैसे अवेयरनेस करना है, कैसे अपना सिटी को अपना एरिया को क्लीन करना है, वही है ये मोटिव ये NSS का। मैम कहाँ से कहाँ तक होंगे? यहाँ से लेके मिडिल स्कूल का वहाँ से ये जो वहाँ तक बागेटिन आरी तक रहेंगे। ओके मैम, कॉलेज की तरफ से ही हो रहा है या कुछ डायरेक्टिव आया है? हाँ, ये जो कॉलेज की तरफ से मतलब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का तरफ से हम लोग को ये कॉलेज को सिलेक्ट किया गया है NSS वॉलंटियर के लिए, तो उसमें से वॉलंटियर है जो स्कूल का तरफ से वॉलंटियर जो सिलेक्शन किया है वो लोग ही मतलब ये क्लीन। ओके मैम, लगभग कितने स्टूडेंट्स होंगे आज? लगभग अराउंड मोर देन 100 स्टूडेंट। कितने कवर कितने करेंगे मैम आप लोग, कितना एरियाज कवर करेंगे हम लोग? लेकी से यहाँ से लेके बागेटिन अली। ओके मैम, सब किस टाइप की आप लोग जो है वेस्ट से उसे कलेक्ट कर रहे हैं? सब प्लास्टिक हो गया, सब कुछ बैग, प्लास्टिक बैग, रबर, ये सब चीज़, और कपड़े, गंदे कपड़े भी हैं, है ना, उन सभी को उठा उठा के और सफाई के लिए। ओके, इससे मैम स्टूडेंट्स लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, आपको क्या लगता है? ये अवेयर कर रहे हैं, है ना, लोगों को गंदे कपड़े रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, है ना, उससे भी डिसीज़ होती है, तो है रबड़ को फेंकने से पानी रुकता है ना, और जानवर लोग जो हैं वो खाते हैं उसे तो उनको हार्म होता है, तो प्लास्टिक रोड पे या कहीं भी नाली में नहीं फेंकना है। नाली में फेंकने से क्या होता है, फंस जाता है पानी, फंस जाता है ना, रुक जाता है पानी, फिर वो रोड पे आ जाता है। ओके थैंक यू मैम। ओके, माय नेम इज हेम शर्मा और आई एम स्टूडेंट ऑफ MEd एट हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। सो आज आप लोग का प्रोग्राम का बारे थोड़ा बता दीजिए। आज हम लोग एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स की तरफ से हम लोग को ये मतलब गाइडेंस मिला था कि हम लोग हमें NSS प्रोग्राम कराना है, तो इंक्लूडिंग BEd स्पेशल, BEd, MEd, तो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड है अभी। तो इसका हम लोग का मेन अभी मोटो है कि नॉट मी बट यू, राइट, कि मतलब ये तेरा है, ये मेरा, इस टाइप से हम लोग कहीं करना है। हम लोग को मतलब यहाँ में गंदगी नहीं फैलाना है, मेन बात कि ये इसका मतलब फेंका हुआ गंदा है तो हम नहीं उठाएगा, तो हम लोग का मेन मोटो है कि नॉट मी बट यू। आपका तरफ से पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगा? पब्लिक के लिए मैसेज ये रहेगा कि मेनली आप लोग अपना गार्बेज या कोई भी कचरा को इधर उधर मत फेंकिए, एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करके रखिए, सो देट जो भी व्हीकल आता है, जो गार्बेज रिलेटेड व्हीकल्स होता है, उधर आप लोग डंप कीजिए। इससे क्या होगा कि कैपिटल ये एरियाज लोग बहुत साफ रहेगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैपिटल ये सब में बहुत गंदगी है, तो हम लोग को इनिशिएट लेना है साफ करने के लिए, सो देट एनवायरमेंट को इसका बेनिफिट मिले और हम लोग को भी मिले ऑब्वियसली, सो इसका यही रीज़न है। तो आप लोग कैसे प्रोग्राम में, ये फर्स्ट टाइम है ना? नहीं, एक्चुअली मैं NSS का मेंबर रह चुका हूँ बहुत साल से, तो NSS ये इस टाइप का प्रोग्राम करवाते रहता है, तो ये आगे भी होते रहेगा, अभी भी जैसे कि आप देख रहे हो रहा है, तो ओके थैंक यू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, NSS रीजनल डायरेक्टोरेट जो गुवाहाटी है, उसे दीपक कुमार जी उधर रीजनल डायरेक्टर है, वो एक चिट्ठी भेजे थे जो टू द स्टेट NSS ऑफिसर करके, ये मेघालय स्टेट, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश को भेजा गया था। तो इसमें बताया गया था कि ये जो एक मतलब कैंपेन करना है, इंडिया जो क्लीनलेस कैंपेन करना है, जो कि कारगिल जो वार हुआ था उसके लिए, जैसे 2022 ईयर को हम लोग को सेक्रीफाइस किया गया था, उन लोग के नाम में ये क्लीनलीनेस इंडिया करके एक ठो प्रोग्राम था हम लोग का, कैंपेन टू करके, तो उसी के दौरान कॉलेज कैंपस में हम लोग किए थे, एक ड्राइव किए थे, लेकिन आज स्पेसिफिकली जॉइंट वेंचर अरुणोदय यूनिवर्सिटी एंड आवर कॉलेज हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, वो दोनों इंस्टीट्यूशन मतलब इकट्ठा होके जॉइंट वेंचर में आज एक क्लीन इंडिया कैंपेन मतलब ऑर्गेनाइज किए हैं, जो कि कवरेज दे रहे हैं आप लोग का इस सर जो पेट्रोल पंप है टुवर्ड्स मतलब नहरलगन, उधर से निर्जुली के तरफ जो बागेटी नाली करके एक पॉइंट है हाईवे में, तो उसी में वो ड्राइव मतलब अभी काम कर रहा है। ये बच्चे हमारा लगभग 100 जैसे वॉलंटियर्स है, NSS वॉलंटियर, वो उसमें अभी भी वो काम चल रहा है, बच्चे के साथ हम टच में हैं, फ़ोन अभी अभी भी वो लोग किए थे,
आज वो प्रोग्राम कर रहे हैं। तो पब्लिक को ये मैसेज है कि हम लोग जितना मतलब ये जो हमारा स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, हमको एक्चुअली खुद मतलब परिष्कार रहना है, परिच्छन रहना है। इन लोग का हम लोग को जो ये नहीं रखने से हम लोग का सुस्थता नहीं आएगा। तो इसीलिए सभी लोग को ये विनीत अनुरोध है मेरे तरफ से, कॉलेज के अनुष्ठान के तरफ से, ये जो मूवमेंट हम लोग करें, जो ड्राइव अभी बच्चे लोग जाके किए हैं, ये तो कभी कभी रेगुलरली करेंगे लेकिन एवरीडे तो नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है। इसलिए वो लोग अपना भी सोचे कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, हमारा जो जगह है, जो जगह में हम लोग बैठते हैं वो कैसे परिष्कार रहे, ताकि हम लोग का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आगे हम लोग मतलब सुरक्षित रहेंगे। यही मेरा मैसेज है आज के लिए।